अरे दोस्तों, टेक्निकल सी टेक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक हायर का एलईडी टीवी देखेंगे हम। इस टीवी में सही से वॉल्यूम नहीं आ रहा है, इसमें वॉल्यूम फ्लैक्चुएट करता है, कभी साउंड आता है कभी नहीं आता है, और बहुत खरखराने लगता है इसका आवाज़। तो इसको खोल के हम देखेंगे। तो खोल के देखने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। पूरा वीडियो पूरा देखिए, आपको कैसे वॉल्यूम इसका ख़राब है ये हम एक एक करके आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इस टीवी में मेरा हेयर का टीवी है जो अभी हम आपको बता रहे थे, इसमें देखिए वॉल्यूम आ ही नहीं रहा है। तो इस टीवी को हम खोल के देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है। तो आप देखते रहिए, इसमें देखिए साउंड मेरा फुल दिया हुआ है लेकिन इसमें साउंड आ नहीं रहा है। तो हम टीवी को खोल के हम देखेंगे एक बार कि अंदर में चेक करके भी मल्टीमीटर से भी चेक करेंगे, देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, हम टीवी को हैंगर से नीचे उतार लिए हैं, अब इसको खोल के देखते हैं। इसमें एक एक पार्ट चेक करना होगा कि प्रॉब्लम क्या है जो इसमें साउंड सही से नहीं आ रहा है। ये देखिए मेरा हायर का टीवी है, ये 32 इंच का है दोस्तों। तो चलिए हम टीवी को खोल लेते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसलिए खोल के हम आपको दिखाते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए हम टीवी खोल लिए हैं, अब टीवी को हम देखते हैं एक एक पार्ट्स करके हमको चेक करना होगा। ये देखिए मेरा टीवी लिए, अब ये देखिए मेरा स्पीकर है, ये ही स्पीकर से मेरा आवाज़ प्रॉब्लम हो रहा है, आवाज़ कट कट के आवाज़ आ रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है ये स्पीकर को भी हम टेस्ट करेंगे। अभी हम कैलोमीटर भी लाए हैं, तो सबसे पहले हम टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं वायर तो नहीं छूटा या कहीं वायर शॉर्ट हो रहा है कि क्या हो रहा है, ये देखना होगा। तो चलिए हम एक एक करके सब टेस्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा दोनों स्पीकर का वायर है, हम स्पीकर को टेस्ट कर लिए, इसमें क्वांटिटी अच्छा आ रहा है, तो इसमें स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मेरा कनेक्टर है इसमें मेरा प्रॉब्लम है दोस्तों। तो सबसे पहले हम इस कनेक्टर को खोल लेंगे। देखिए हम कनेक्टर खोल लिए हैं, अब इसमें जो नीचे से जो वायर आया हुआ है इससे पहले सबसे पहले हम इस सॉकेट को खोलेंगे। इस सॉकेट को खोलने के बाद दोस्तों इसमें देखेंगे कि इसमें मेरा ये जो इसमें प्लग सॉकेट जो लगा हुआ है इसी में प्रॉब्लम है। तो हम डायरेक्टली इसमें दोस्तों कनेक्शन करेंगे स्पीकर का वायर को सोल्डिंग करके, और उसके बाद साउंड देके देखेंगे कि मेरा जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी, ये फ़िलहाल तो ये मेरा सॉकेट है नहीं, तो हम ये वायर को डायरेक्ट सोल्डिंग करेंगे और देखेंगे चला के कि मेरा टीवी सही में साउंड सही आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम कनेक्शन पहले इसके सॉकेट जो है सॉकेट को पूरा खोल लेंगे। इसमें बहुत बारीकी तार लगे हुए हैं, इसको बहुत सावधानी से करना पड़ेगा ताकि फिर अभी जो ख़राब है उससे ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो चलिए हम इस सॉकेट को खोल लेते हैं फर्स्ट में। ये देखिए दोस्तों, हम टीवी के जो सॉकेट है इसको हम खोल लिए हैं। देखिए ये मेरा सॉकेट है, डीसी का है ये पूरा, इसमें डीसी सप्लाई है, इसमें पूरा डीसी सप्लाई है दोस्तों। तो हम खोल लिए, ये देखिए जो ये दिख रहा है मेरा 4 पॉइंट वाला सॉकेट, इसमें मेरा स्पीकर का वायर कनेक्ट होगा। तो ये जो मेरा स्पीकर का जो वायर है ये मेरा सही है, बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। तो ये फ़िलहाल तो अभी ये मेरे पास सॉकेट है नहीं दोस्तों, तो इसको हमको चेंज करना होगा। तो अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही ट्राई करके देखते हैं, ये चार जो वायर है स्पीकर के जो चार वायर हैं, हम इस साइड में देखिए जो ये मेरे पॉइंट हैं चारों, ये देखिए ये आपका प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों बीच वाला माइनस है, ये प्लस है। तो एक एक वायर करके हम सोल्डिंग करके देख लेते हैं, उसके बाद टीवी को चला के देखेंगे कि सही में मेरा स्पीकर का साउंड सही आता है कि नहीं आता है। अगर सही आएगा तो फिर हम सोल्डिंग करके ही छोड़ देंगे, सॉकेट नहीं लगाएंगे। तो चलिए हम सोल्डिंग करके आपको एक बार चला के भी दिखाएंगे। तो सोल्डिंग कर लेते हैं फर्स्ट में। इस टाइप से देखिए दोस्तों, हम एक एक करके चारों वायर को, ये जो मेरा दिख रहे हैं ये चारों वायर को हम एक एक करके सोल्डिंग कर लिए हैं। बहुत अच्छा से इसको सोल्डिंग करना पड़ता है क्योंकि बहुत बारीकी है इसमें, देख लीजिए। तो हम सोल्डिंग कर लिए हैं, अब टीवी को हम चला के देखते हैं सबसे फर्स्ट में कि मेरा साउंड इसमें आता है कि नहीं आता है। तो चलिए हम टीवी को चला के एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा कनेक्शन स्पीकर का जो कनेक्शन कर रहे थे पूरा हो गया है। ये देखिए मेरा HDMI का केबल है जो ये टीवी पे मेरा लगा हुआ है, ये HDMI केबल है। हम HDMI केबल को लगा लेते हैं, उसके बाद कनेक्शन भी करके देखना पड़ेगा इसमें कि सही में मेरा टीवी स्पीकर साउंड कैसे आता है, ये देखना पड़ेगा। देखिए HDMI केबल हम लगा लिए हैं, अभी हम
इस सर्किट को सेट नहीं करेंगे वहाँ पे, फर्स्ट टाइम चला के देखेंगे। तो देखिए हम इसमें जो पावर सप्लाई है हम देते हैं, पावर सप्लाई और देखिए टीवी का हम दे दिए, और टीवी से हम चला के एक बार देख रहे हैं फर्स्ट में कैसे मेरा टीवी साउंड आता है कि नहीं आता है। इसको भी हम बढ़िया से जैसा था वैसे सेटअप कर लेते हैं, फिर हम स्टैंड में टीवी को लगा के देखते हैं मेरा टीवी सही से वर्क करता है कि नहीं करता है। तो चलिए हम पहले इसको ये जो मेरा सॉफ्टवेयर है टीवी का, इसको बढ़िया से सेटअप कर लेते हैं, और सेटअप करने के बाद टेस्ट करते हैं इसका वॉल्यूम कैसा है, साउंड सही से आ रहा है या फिर से जो इसमें प्रॉब्लम था जो करकर करके आवाज़ करता था वो ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ये देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम सभी स्क्रू को लगा लेते हैं। इस टाइप से स्क्रू जो खोले थे सभी स्क्रू प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ेगा। देखिए दोस्तों हम पूरा बॉडी इसका लगा लिए, टीवी का पूरा सेटअप कर दिए हैं, अब हम स्टैंड में इसको लगाएंगे। देखिए ये मेरा स्टैंड का दोनों है, स्टैंड को भी हम लगा दिए, अब हम इसके वॉल पे इसको सेटिंग करते हैं टीवी को। ये देखिए टीवी का वॉल ये यहाँ है, इसमें हैंगिंग फ्रेम लगाया हुआ है, तो टीवी को हम यहीं पे हैंगिंग करेंगे, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे टीवी को कि मेरा वॉल्यूम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। देखिए दोस्तों हम वॉल में टीवी को हैंगिंग कर लिए हैं, और टीवी को अब ऑन करके देखते हैं और इसका वॉल्यूम हम टेस्ट करते हैं कि मेरा वॉल्यूम सही में ठीक हुआ कि नहीं हुआ जो टीवी में प्रॉब्लम था। इस टाइप से देखिए मेरा टीवी ऑन हो गया, अब इसका चैनल लगा के देखते हैं और आता है कि नहीं आता है। तो अभी के लिए मोटो पतलू जस्ट वन बॉक्स, इसके साथ एंजॉय करें सबसे ज्यादा रोमांचक गेम्स सिर्फ टाटा प्ले स्मार्ट गेम्स पर, वो भी 24/7 बिना किसी ऐप। तो देखिए दोस्तों अब जो हम एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि हम सोल्डिंग किए जो वायर, उसके बाद मेरा देखिए इसमें वॉल्यूम आ रहा है अच्छा से। इस टाइप से दोस्तों आपका कभी भी टीवी में प्रॉब्लम हो, हेयर का टीवी में, तो आप या कोई भी LCD LED टीवी में प्रॉब्लम हो तो आप इसको इस टाइप से खोल करके आप चेक करके काम कर सकते हैं। आपको मैकेनिक के वहाँ लेके जाना नहीं पड़ेगा, आपको 200 रुपये से बच जाएगा।